the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एमी शर्मा आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से, लेकिन आपको बताना चाहती हूं कि पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इंटरनेट के जरिए जालसाजी करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है और सुशांत केस में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, लेकिन आपको द डॉन एक्सप्रेस की ये खबरें, ये लिंक, ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। शुरुआत करते हैं एक बड़ी सनसनीखेज खबर से, जहां पर आपको बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर तकनीकी दिक्कत के बारे में चेतावनी देने वाला पॉपअप जो आपके स्क्रीन या कंप्यूटर पर आता है वो आपको फंसाने का जाल भी हो सकता है। जी हाँ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 निजी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इस टीम ने धोखाधड़ी में शामिल लोगों की तलाश में मैनपुरी के साथ साथ दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और जयपुर के 10 स्थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है इन कंपनियों ने एंटीवायरस रक्षा उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों के कंप्यूटर में मालवेयर डाल दिया था। जी हाँ, नई दिल्ली के साथ साथ कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसी कंपनीज चल रही थी। मैनपुरी की अगर बात करें तो वहाँ के प्रधान के घर पर भी CBI ने, यानी इसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने छापा मारा है। गांव में तैनात पुलिस पूरे दिन रही। अब आपके लिए खास जानकारी लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए, खासतौर पर जो फोन खरीदना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले Realme ने अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, Realme 7 और Realme 7 Pro, जिसे लोगों ने बेहतरीन प्रतिक्रिया दी। जी हाँ, प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी मिली लोगों से फ़ोन को लेकर। पिछले हफ्ते Realme 7 की पहली सेल रखी गई, जिसमें कंपनी के 1.8 लाख फ़ोन बहुत कम समय में बिक चुके थे। आज दूसरी बार ये स्मार्टफोन सेल आ रही है। आज दोपहर 12 बजे से Flipkart पर ये फ़ोन उपलब्ध होगी। यहाँ Realme 7 के 4GB की कीमत होगी 14,999 और वहीं 8GB की कीमत होगी 16,999। Realme 7 Pro के 6GB की कीमत होगी 19,999। स्मार्टफोन के 8GB की कीमत होगी 21,999। जियो ने, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था पहली वीडियोस में, कि एक धासु प्लान 598 का शुरू किया है, आप इसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, Realme 7 में दुनिया का पहला G95 प्रोसेसर दिया जाएगा। तो आप तैयार हैं स्मार्टफोन खरीदने के लिए? गूगल हर कोई यूज़ करता है, चाहे उसका सर्च इंजन हो या फिर गूगल के ऐप। अब गूगल ने अपने यूज़र्स के लिए कुछ और नए फीचर्स को रोल आउट किया है। ये नए फीचर्स में बैकग्राउंड को ब्लर करना भी शामिल है और एक ही ग्रुप में 49 लोगों को जोड़ने के फीचर्स भी शामिल हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे पहले ग्रुप सेटिंग है गूगल मीट, अब यूज़र्स को एक नई मीटिंग में 49 लोगों को देखने की अनुमति देगा। जी हाँ, एक साथ आप इतने लोगों को मिल सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही ऑटो अटाइल वाले मोड के जरिए भी ये किया जा सकता है। 9 to 5 गूगल के अनुसार यूजर्स को मैनुअल रूप से लॉजर व्यू को सक्षम रखना होगा, क्योंकि ऑटो के लिए डिफॉल्ट व्यू 9 लोगों और टाइल्स में 16 लोगों तक सीमित होगा। तो आप लोग तैयार हैं गूगल मीट पर अपनी मीटिंग करने के लिए? तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब गूगल ने एक बेहतरीन कुछ प्लान्स और फीचर्स के साथ आपके लिए पेश हो रहा है। यदि आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर खराब का मैसेज पॉपअप होता है तो आप सावधान हो जाइए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सामान्य आदमी को वसूली गैंग पर संदेह ना हो सके। जी हाँ, इसमें हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करने की सलाह भी दी जाती है, जिसके साथ ही आपकी सारी निजी जानकारियाँ उन तक, उस गिरोह तक जो जालसाज फैला रहा है, उस तक पहुँच जाती है। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को कंप्यूटर ठीक कराने के लिए एवज में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद मॉलवेयर को कंप्यूटर से हटा दिया जाता है और कंप्यूटर पहले की तरह ठीक काम करने लगता था, जबकि हकीकत में कंप्यूटर में कोई बड़ी होती ही नहीं थी। जाहिर है, ठगी का शिकार होने वाले को इसकी भनक तक नहीं लग पाती थी। बता दें कि मालवेयर एक तरह का प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा रूप है, जिसमें किसी भी कंप्यूटर से डेटा चुराने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
जी हाँ, इसीलिए आप लोगों को ये बात एक बार फिर से दोहरा के बता रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाएं और ऐसे भी किसी ग्रोह के शिकार ना बने। कोरोना की वजह से कभी ना रुकने वाली ट्रेन की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि रेल मंत्रालय को ट्रेनों का संचालन बंद करना पड़ा। ट्रेन का संचालन बंद करने के बाद IRCTC के सामने अब एक और समस्या खड़ी हो गई है। कोरोना काल के दौरान जितने टिकट कटाए थे, लोग उसका रिफंड लेने के लिए तैयार नहीं। इंडियन रेलवे कैटरिंग, जी हाँ, IRCTC के इस समय इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि टिकट रद्द होने के बाद रिफंड लेने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, मौजूदा समय में रद्द किए जाने वाले टिकटों के 10 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड जमा है। हालांकि IRCTC ने लोगों से रिफंड वापस लेने का अनुरोध किया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना नया खाता देकर रिफंड वापस नहीं लेना चाहता। ऐसे में इसकी समस्या रेल मंत्रालय की समस्या और बढ़ चुकी है। तो अब देखना होगा कि क्या इसका समाधान निकलेगा। जहां पर हमने बताया कि रेल मंत्रालय और IRCTC के सामने क्या मुश्किलें खड़ी हैं, वहीं आपको एक और बता दें कि IRCTC के जरिए टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी भी है। यात्रियों को अब होटल बुक कराने के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा। IRCTC अगले महीने से अपने यात्रियों को एक बेहतर सेवा प्रदान करने जा रहा है। यात्री IRCTC के माध्यम से ई टिकट बुक कर सकते हैं और साथ ही होटल का कमरा भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेशन से होटल तक जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी भी बुक की जा सकती है। रेल ट्रैकिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अपनी वेबसाइट पर सुविधा शुरू करने जा रही है। IRCTC वेबसाइट में पर्यटन में होटल बुकिंग की सुविधा भी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जानते हैं। यही वजह है कि अब IRCTC ने ई टिकट के विकल्प के साथ लिंक जोड़ने का फैसला किया है। इससे पहले भी हवाई सेवा में ये जोड़ा जा चुका है। देश के सभी बड़े और छोटे शहरों में होटल को अनुबंधित किया जा रहा है, जहां ट्रेनों की आवाजाही की सुविधा भी है। तो हुई ना ये सभी रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इस बीच बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अपील की है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा और सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ गया है। फैसला मंदिर के हक में आया। बाबरी विध्वंस के मुकदमे में बहुत से लोगों की सुनवाई हो चुकी है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में ही नहीं, जो लोग बचे हैं वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। जी हाँ, हम यह चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पर जितने भी मुकदमे हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए, ये कहना है इकबाल अंसारी जी का। इकबाल अंसारी जी ने साथ ही ये भी कहा कि अयोध्या मसला हिंदू और मुसलमान के बीच का एक विवाद बन गया था और ये राजनीति में आ गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है कि सरकार को चाहिए कि इस फैसले को पूर्ण रूप से खत्म कर दे, और वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के नाम पर कोई भी ऐसा काम न करे जो देश की तरक्की में बाधा बने। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर यदि कोई भी विवाद करता रहता है तो देश कमजोर होता रहता है, जो कि एक सच्चाई भी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट मीडिया नियमन के मुद्दे पर कोई फैसला लेता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले ये डिजिटल मीडिया के संबंध में लिया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया में प्रकाशन और प्रसारण को एक बार का कार्य होता है, लेकिन डिजिटल मीडिया की तो बड़ी संख्या में दर्शकों और पाठकों तक पहुँच रहा है और इसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे कई एप्लीकेशन के चलते की भी जानकारी के वायरल होने की संभावना रहती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया, यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गंभीर प्रभाव और क्षमता को देखते हुए अदालत ने यह अभ्यास करने का फैसला किया है तो इससे पहले डिजिटल मीडिया के संबंध में किया जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के संबंध में पर्याप्त रूपरेखा और न्यायिक घोषणाएं मौजूद हैं। आपको बता दें कि यही मामला जो बाबरी मस्जिद से जुड़ा है, इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी श्वेतांबरा, पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार सहित कई जाने पहचाने लोग ऐसे हैं जिनको आरोपी माना गया है। जी हाँ, इन सभी ने बयान दर्ज करवाया है और अदालत के बाहर आकर यही बयान दिया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। अपना बयान दर्ज करवाने आए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष ने भी कहा कि उन्हें जानबूझकर राजनीतिक कारणों में फंसाया गया है। ये सभी की नज़रों में कोर्ट द्वारा 30 सितंबर को सुनाए जाने वाले फैसले पर हैं। जी हाँ, अब देखना होगा कि 30 सितंबर को किस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने युवा
युवाओं के साथ रोजगार के मुद्दे पर संवाद शुरू किया। प्रियंका ने संविदा के मुद्दे पर भी युवाओं की राय ली और आश्वासन दिया कि हम सरकार आते ही ऐसी नीति लाएंगे जिसमें संविदा नहीं बल्कि सम्मान हो। उन्होंने कहा कि वो इस काले कानून के खिलाफ सड़कों पर भी आवाज उठाएंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने 2016 के 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की। ये बातचीत प्रियंका द्वारा हाल ही में शुरू किए गए युवाओं के साथ रोजगार पर संवाद का हिस्सा रही। प्रियंका ने कहा कि उनका मानना है कि युवाओं की बात सुननी पड़ेगी और उनके मुद्दों पर भी हमें लड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी इसमें पीछे नहीं हटने वाली है। जी हाँ, इन सभी शिक्षक भर्ती की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो रही है। इस बारे में अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये आपको बताते रहेंगे। आपको बता दें कि सुशांत मर्डर मिस्ट्री को लेकर जिस तरह अर्नब गोस्वामी अपने चैनल रिपब्लिक के जरिए आवाज उठा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संपादक यानी अर्नब गोस्वामी को विशेष अधिकार हनन का नोटिस भेजा गया है। नोटिस को लेकर अपने टीवी चैनल पर अर्नब गोस्वामी ने उद्धव पर हमला बोला। उन्होंने उद्धव सरकार को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि आप मुझे आजमा रहे हैं तो सुन लीजिए, मेरे इरादे फौलादी हैं। टीवी शो के दौरान अर्नब ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी, अगर आप मेरे इरादे आजमा रहे हैं तो सुन लीजिए, मेरे इरादे फौलादी हैं, चट्टानों से मजबूत हैं। मेरी हिम्मत और हौसला चट्टान से भी मजबूत है। 60 पन्नों के नोटिस से वो डरते हैं, ना ही उनको कोई हिला सकता। और हमने जनता की आवाज़ उठाने का काम किया है, जनता हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पीठ पीछे शिव सैनिक आपको लेकर सवाल उठाते हैं, किसी सत्ता की चरण वंदना हमें नहीं करनी है, ये कहना है साफ अर्नब गोस्वामी का। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या नहीं बल्कि अब हत्या मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती ने 25 लोगों के नाम दिए हैं जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी कंट्रोल ने जल्द ही रडार पर सारा अली खान को लेने का फैसला कर लिया है। अगले सप्ताह एनसीबी उनसे पूछताछ कर सकती है। ड्रग मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के जेल जाने से बॉलीवुड सितारों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। रिया चक्रवर्ती ने 25 ऐसे बॉलीवुड सितारों के नामों का खुलासा किया है जो ड्रग्स की लत के शिकार हैं। रिया के बयान के बाद से बॉलीवुड में खलबली मच चुकी है। अब एनसीबी पर स्टार्ट पर अपना शिकंजा कसने को तैयार है। जी हाँ, हाल ही में खबरें आई थी कि एनसीबी साल 2019 में फिल्मकार करण जौहर के घर हुई पार्टी की जांच भी करेगी। आपको बता दें कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एनसीबी की टीम करण को समन भी भेज सकती है। लेकिन इसी बीच करण जौहर अपने परिवार के साथ ही मंगलवार की शाम को मुंबई से रवाना हो गए हैं। मीडिया में आई खबरों की माने तो वो शाम को करण जौहर अपनी माँ और बच्चों के साथ एयरपोर्ट पे देखा गया। इस दौरान करण जौहर के पूरे परिवार ने मास्क लगाया हुआ था। आपको बता दें कि रिया के ड्रग्स मामले के खुलासे के बाद करण जौहर का पूरा परिवार मुंबई से बाहर जा चुका है। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। द डॉन एक्सप्रेस में आपको सारी ताज़ा जानकारियों देने के बाद अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स फैमिली में हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। से आभार। डेली हंट डेली होम। नमस्कार।